नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो मित्रम में। यहाँ हम और हमारी कुशल टीम आपको अवगत कराते हैं हर नई ज्योतिष गतिविधियों के बारे में एवं पूजा पाठ से संबंधित सभी जानकारियों से। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एस्ट्रो मित्रम को, जिससे हमसे पहुँचने वाली हर जानकारी आप तक तुरंत पहुँच सके। ये आज बात करते हैं कि बैठे बैठे पैर हिलाने से आखिर में क्या बुरा होता है। वैदिक काल से ही कुछ ऐसे नियम बनाए गए हैं जिनकी पालना करना हमारी सेहत और आर्थिक स्थिति यानी दोनों के लिए फायदेमंद रहता है। इन नियमों के आधार पर हमारी सारी परंपराएं बनी हैं। सभी परंपराओं के पीछे धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व बताए गए हैं। प्रतिदिन हम कई छोटे बड़े सामान्य कार्य करते हैं, जिनमें से कुछ कर्म वर्जित भी बताए गए हैं, जिनका संबंध हमारी सुख समृद्धि से होता है। पंडित दयानंद शास्त्री जी बताते हैं कि अक्सर घर के वृद्धजनों द्वारा हमें ऐसा करने के लिए मना किया जाता रहा है और आज भी हमें मना करते हैं कि बैठे बैठे हमें पैर नहीं हिलाने चाहिए। वैसे तो यह सामान्य सी बात है, लेकिन इसके पीछे धार्मिक कारण भी हैं। स्वभाव और आदतों का प्रभाव हमारे भाग्य पर पड़ता है। शास्त्रों के अनुसार पैर हिलाने से धन का नाश होता है। धन की देवी महालक्ष्मी की कृपा हमें प्राप्त नहीं होती है। शास्त्रों में इसे अशुभ कर्म माना गया है। पंडित दयानंद शास्त्री बताते हैं कि पैर हिलाने की आदत के कारण धन संबंधित कार्यों में विलंब होता है एवं पैसों की तंगी भी बढ़ती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह आदत हानिकारक है। बैठे बैठे पैर हिलाने से जोड़ों के दर्द की समस्या हो सकती है। पैरों की नसों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। पैरों में दर्द हो सकता है, इसका बुरा प्रभाव हृदय पर भी पड़ सकता है। इन कारणों के चलते इस आदत का यदि हमने त्याग नहीं किया तो भविष्य में ज्योतिष से संबंधित कई बुरी हानियां और चिकित्सा से संबंधित कई बुरी हानियां हमें उठानी पड़ सकती हैं। हमने देखा है बहुत से लोगों को बैठे बैठे पैर हिलाने की आदत होती है। वो कहीं भी बैठे हों अपनी पैर आगे पीछे हिलाते रहते हैं। कई लोग लेटे लेटे भी पैरों में एक अजीब सा कंपन पैदा करते हैं। पंडित दयानंद जी शास्त्री बताते हैं कि जब व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान होता है या बचपन से उसे नींद आने की आदत होती है, कम नींद आना, तो कुछ समय बाद वह रेटलेट्स लैंग सिंड्रोम की चपेट में चली जाती है। इस बीमारी से ग्रस्त लोगों को कार्डियोवैस्कुलर संबंधित बीमारियां अपना शिकार बना लेती हैं और लगातार पैर हिलाते रहने से ब्लड प्रेशर के साथ साथ दिल की धड़कनों की गति भी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वह आगे चलकर जान जाने का खतरा भी बढ़ जाता है। अब आप ही सोचिए कि हमारे बड़े बुजुर्ग जो कहते थे, क्या वो गलत है? सोचिएगा, विचार कीजिएगा। विदेशी संस्कृति को अपनाने की जिद में हम अपनी संस्कृति और संस्कारों को दूर भगाने लगे हैं। जो बातें हमारे वेदों और धर्म ग्रंथों में कही गई हैं, वही बातें आज वैज्ञानिक विज्ञान की किताबों में कह रहे हैं, मानो या न मानो। हमें आशा है कि यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो क्लिक ऑन पे जाके क्लिक करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एस्ट्रो मित्रम एवं किसी भी प्रकार की समस्या या ज्योतिष से संबंधित जानकारी के लिए हमें संपर्क करें। आपकी सहायता को सदैव तत्पर हमारी कुशल टीम आपसे जुड़ने की आशा करती है। धन्यवाद आपके समय के लिए।